नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एयर कंडीशनर को चलाते हुए अपनी बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एयर कंडीशनर की एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको बताया था कि जो एयर कंडीशनर है वो एक घंटे में कितनी पावर कंज्यूम करता है, तो आप उस पावर कंजप्शन को कैसे आप कम कर सकते हैं और कैसे अपनी यूनिट या बिजली को बचा सकते हैं। नंबर वन, इन्वर्टर एसी। अगर आपने अभी तक एसी नहीं खरीदा है और खरीदना चाहते हैं तो आप इन्वर्टर एसी ही खरीदिए, क्योंकि इन्वर्टर एसी में जो नई टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिससे कि आपकी पावर कंजप्शन कम होती है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है। नंबर टू, जब भी आप एयर कंडीशनर को चलाते हैं तो उसका जो टेम्परेचर आप सेट करते हैं उसे 25, 26 या 27 पर ही सेट कीजिए। अगर आप कम टेम्परेचर सेट करते हैं, जैसे आपने 18 या 19 किया है, तो जो एसी का कंप्रेसर है वो ज़्यादा देर तक चलेगा और जब तक आपके रूम का टेम्परेचर 18 या 19 डिग्री के करीब नहीं पहुंचेगा तब तक वो बंद नहीं होगा, इसलिए आपकी जो पावर कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको एक नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसी पे रखना है। एयर कंडीशनर जब रूम को ठंडा करता है तो वो कई चीज़ों पर निर्भर होता है। अगर इनमें से आप एक भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जैसे कि आपके रूम का साइज़ कितना है, अगर आपके रूम का साइज़ बड़ा है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपके रूम में कितने उपकरण या अप्लाइंस चल रहे हैं, जैसे कि फ्रिज, टीवी और कोई भी दूसरा उपकरण आपके रूम में चल रहा है, तो वो भी आपके रूम में हीट प्रोड्यूस करेगा जिससे कि आपका कमरा ठंडा होने में ज़्यादा समय लेगा, इसलिए जो आपकी बिजली की खपत है वो भी ज़्यादा होगी। तो जितना हो सके आप अपने रूम में कम से कम अप्लाइंस को रखें। अगर आप उन्हें अपने रूम में से दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हैं तो वहाँ पर रखें। अपने रूम में कम से कम चीज़ों को रखने का प्रयास करें। एयर कंडीशनर को चलाते समय बहुत से लोग अपने सीलिंग फैन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जो कूल एयर है वो पूरे रूम में सर्कुलेट हो सके। लेकिन अगर आपके रूम पर दूसरा कोई फ्लोर या रूम नहीं है और डायरेक्ट सनलाइट आती है तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट आती है उससे आपकी छत गर्म हो जाती है और जब आप फैन चलाएंगे तो जो ऊपर की हीट है, जो गर्मी है, वो नीचे की तरफ आएगी जिससे कि आपको कूलिंग का जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा और आपका रूम वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आपके रूम में खिड़की और दरवाजे अगर ग्लास के हैं, जैसे कि मेरे रूम में हैं, तो आप इन्हें बाहर की तरफ से कवर करने की कोशिश करें जहाँ से सनलाइट डायरेक्ट आती है, और अपने कमरे में विंडो और दरवाजों पर पर्दे का इस्तेमाल करें। जितने अच्छी क्वालिटी के आप पर्दे इस्तेमाल करेंगे आपके रूम में उतनी ही अच्छी कूलिंग बनी रहेगी। और अगर आपका रूम का दरवाज़ा या खिड़की आप बार बार खोलते हैं तो इससे भी जो कूलिंग है वो काफ़ी कम हो जाती है और इसीलिए जो एयर कंडीशनर का कंप्रेसर है वो ज़्यादा देर तक चलता रहता है। तो जहाँ तक संभव हो अपने रूम की विंडो और दरवाज़ों को कम से कम खोलने की कोशिश करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब रूम ठंडा हो जाता है तो वो अपनी एसी को बंद कर देते हैं, ये बहुत ही गलत है। इससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर कंजप्शन है वो ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आपका एसी दोबारा ऑन होता है तो उसका कंप्रेसर भी दोबारा ऑन होगा और वो जब स्टार्टिंग जो लोड होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो ज़्यादा होगी। इसलिए अपने एसी को बार बार ऑन या ऑफ ना करें, बल्कि आप इसकी बजाय अपने जो टेम्परेचर सेट किया है उसे बढ़ा दें। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर का भी बदलाव करते हैं, जैसे कि आपने अपनी एसी को 24 पे चलाया है और इसे आप अगर 25 पे चलाते हैं तो आप कम से कम 2 या 3% जो पावर कंजप्शन है उसे कम कर सकते हैं। तो जहां तक संभव हो अपने टेम्परेचर को सही लेवल पर रखें। जो आइडियल है वो मैंने पहले बता दिया, 25 डिग्री आपके लिए सफिशिएंट होगा। एयर कंडीशनर की मेंटेनेंस करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप समय समय पर अपने एयर कंडीशनर की मेंटेनेंस करते हैं, उसके फिल्टर को साफ करते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है जिससे कि एयर कंडीशनर के फिल्टर है वो ब्लॉक नहीं होते और कूलिंग वो प्रॉपर बनी रहती है और आपका रूम भी जल्दी ठंडा होता है। तो एयर कंडीशनर के जो फिल्टर हैं उनकी सफाई आपको 1 महीने में 1 या 2 बार जरूर करनी चाहिए। और अगर आप सीजन में पहली बार इसे चला रहे हैं तो आप एक बार इसका सर्विस करवा लीजिए। जब भी एयर कंडीशनर आप लगवाते हैं तो उसकी हाइट एक प्रॉपर लेवल तक होनी चाहिए। अगर आपके रूम की जो छत है वो 10 फुट पर है तो आप अपना एयर कंडीशनर वो 7 या 8 फुट पर लगवाइए। और अगर आप विंडो एसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे कम से कम 3 या 4 फुट पर लगवाइए। इससे आपके रूम की जो कूलिंग है वो प्रॉपर हो जाती है और आपका रूम है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। और सबसे आखिरी पॉइंट है सोलर पैनल का। अगर आप सोलर पैनल पर एयर कंडीशनर चलाना चाहते हैं तो इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके बजाय आप जो दूसरे छोटे उपकरण हैं, जैसे कि फैन, लाइट और दूसरा कोई भी छोटा उपकरण, टीवी इत्यादि, उसे आप सोलर पैनल पर चला सकते हैं। तो इन्हें आप सोलर पैनल पर चलाकर
आप अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे जिनसे आप अपने घर के बिजली की बचत कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा सुझाव है या आइडिया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।